नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल P4 पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक पोर्टफोलियो के बारे में। इसे हम रिव्यू करेंगे जो कि होगा 1,70,000 का पोर्टफोलियो, 1.7 लाख का ये पोर्टफोलियो है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ 4 स्टॉक्स हमें देखने को मिले, यानी कि एक फोकस्ड पोर्टफोलियो है। लेकिन यहाँ पर भी थोड़े से चेंजेस किए जा सकते हैं। कौन से है वो चेंजेस, वो जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए रिव्यू करते हैं इस पोर्टफोलियो को। तो आप देख सकते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट है 1,73,000 के आसपास, और करंट वैल्यू जो कैलकुलेट होकर आती है वो है 1,62,000 के आसपास। जो चेंज देखने को मिला है वो है 1.37% का पॉजिटिव चेंज। कौन से वो 4 स्टॉक्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, यहाँ पर जो करंट मार्केट प्राइस दिखाई दे रहा है वो कल के दिन का है, यानी कि जुलाई 13 के दिन का है। यहाँ पर अभी आज का दिन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, मार्केट आवर्स में ही आपको वीडियो बनाकर दे रहा हूँ, तो आज की क्लोजिंग हमें पता बाद में चलेगी, इसलिए 13 जुलाई की सारी क्लोजिंग डेट यहां पर करंट मार्केट प्राइस पे दी गई है। तो पहला स्टॉक है HDFC लिमिटेड, 1800 पे आपने 45 क्वांटिटीज उठाई है, 81,000 का आपने इन्वेस्टमेंट किया है, करंटली आपको 2.5% का प्रॉफिट हो रहा है। बहुत ही अच्छा शेयर है, इसे आप कंटिन्यू होल्डिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है ITC, 194 पर 200 शेयर्स लिए हैं, 38,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, करंटली आपको 1.21% का प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा शेयर है, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा शेयर है थोड़ा सा स्लो मूवर है। इसमें अगर आप चाहते हैं बहुत ही तेजी से ऊपर जाएगा तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा स्लो मूवर है, लेकिन कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। अगर आप यहां पर पेशेंस रख सकते हैं, अगर आप पेशेंट इन्वेस्टर हैं तो ही आप इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। नेक्स्ट है SBI, 200 के प्राइस पर 150 शेयर्स लिए हैं, 30,000 का आपने इन्वेस्टमेंट किया है, करंटली 4% का आपको लॉस हो रहा है। तो SBI में मैं कभी भी आपको लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए कभी भी नहीं कहता हूं। आपको पता होगा, अगर आपने इसके चार्ट्स देखे हैं तो आपको पता चलेगा ये 150 तक आता है, 300-350 जाता है, और वहां से फिर वापस हमें 250-200 के और 150 के लेवल्स देखने को मिलते हैं। और ये कुछ एक दो साल की मूवमेंट नहीं है, पिछले 10 या 12 सालों से यही मूवमेंट हमें देखने को मिली है, 150 से 300-350 जाता है और वापस हमें 150 के आसपास लो दिखाई देता है। तो मैं यही आपको रेकमेंड करता हूं कि अगर आपको ये लो के आसपास मिलता है तो वहां पर पोजीशन बनाइए, और जब भी ये 300 के आसपास जाता है तो वहां से हमें निकल जाना चाहिए। तो इसे लॉन्ग टर्म के लिए मत रखिएगा, इसे 1 से 2 साल में जब भी आपको प्रॉफिट मिलता है, यानी कि पोजिशनल रेट की तरह आप इसमें प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिलैक्सो, 598 पर आपने 40 क्वांटिटीज ली है, 23,000-24,000 का आपने इन्वेस्टमेंट किया है, करंटली आपको 4.5% का प्रॉफिट हो रहा है। बहुत ही अच्छा शेयर है, इसे भी आप लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू होल्डिंग कर सकते हैं। तो हमने देखा कि आपका जो कैपिटल है, आपके पोर्टफोलियो का जो साइज़ है वो है 1,70,000 के आसपास। 1 लाख से 2 लाख के पोर्टफोलियो में मैं जनरली 5 से 7 स्टॉक रेकमेंड करता हूँ। आपने भी एक फोकस पोर्टफोलियो बनाया है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस मैं जो लाना चाहूँगा वो ये है कि आपने HDFC लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट किया है, यानी कि NBFC का ये स्टॉक है। NBFCs में काफ़ी अच्छे स्टॉक है, बजाज फिनसर्व है, बजाज फाइनेंस है, मुथूत फाइनेंस है, लेकिन कोई भी एक स्टॉक ले लीजिए और वहाँ पर आप क्वांटिटी बिल्डअप कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपने अच्छी क्वांटिटी बनाई है तो इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है, लेकिन आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से आपने कुछ ज्यादा ही इन्वेस्टमेंट यहां पर कर दिया है। आपने HDFC और SBI में मिलाकर 1,11,000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया है, और आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होकर आता है 1,73,000। तो मेरा मानना है इतना ज्यादा एक्सपोजर BFSI सेक्टर में जरूरी नहीं है, तो थोड़ा सा आप यहां पर रिड्यूस कर सकते हैं। HDFC में आपकी क्वांटिटी को रिड्यूस कर सकते हैं, 10 या 15 स्टॉक्स आप बेच सकते हैं, ऐसा मेरा मानना रहेगा। और साथ ही साथ FMCG में आपने इन्वेस्टमेंट कम किया है, ITC में इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए प्योर FMCG कंपनी नहीं है, टोबैको के बिजनेस में काम करते हैं और भी कई सारे बिजनेस है, तो एक प्योर FMCG का स्टॉक होना बहुत ही जरूरी है। तो ये डिफेंसिव स्टॉक्स होते हैं जो हमें पोर्टफोलियो को सेफ रखते हैं। हमारे लिए छोटे पोर्टफोलियो के लिए कैपिटल को प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो FMCG स्टॉक्स कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जैसे कि HUL हो गया, ये अपने पोर्टफोलियो में होना चाहिए, बहुत ही अच्छा स्टॉक है, अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर है। तो HUL को आप वॉचलिस्ट पर रख सकते हैं और वहाँ पर क्वांटिटी ऐड करने के बारे में, क्वांटिटी को बाय करने के बारे में सोच सकते हैं। साथ ही साथ दूसरा एक सेक्टर है जो मैं आपको रेकमेंड करूँगा, वो है केमिकल सेक्टर। काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है पिछले 5 या 10 सालों से, और आगे भी इसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट दिखाई देता है। सारे के सारे आप जो अच्छे केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स देखेंगे, जैसे कि आरती इंडस्ट्री हो गया,
अतुल हो गया, SRF हो गया, साथ ही साथ दीपक नाइट्रेट, नवीन फ्लोरिंग, सबके सब अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन स्टॉक्स पे भी आप नजर गड़ा कर रख सकते हैं और उनमें से कोई भी एक स्टॉक यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं और वहां पर क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना रहेगा। और SBI के बारे में मैंने बता दिया, यहाँ पर 150 से 350 की रेंज है, वो हिसाब से आप इसमें क्वांटिटी को बाय और सेल कर सकते हैं। रिलैक्स हो, काफी अच्छा स्टॉक है, इसे भी लॉन्ग टर्म के लिए ऐड किया जा सकता है। तो मैंने बता दिया है कौन से चेंजेस आप कर सकते हैं, बाकी डिसीजन आपका है कौन से चेंजेस आपको करने हैं, कौन से चेंजेस आपको अवॉइड करने हैं। लेकिन अगर आपको ये पोर्टफोलियो रिव्यू पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।